this song today and enjoy the performance. Thank you very much. That was a rocking performance. And please don't try these stunts at home. Always perform them under the supervision of any specialist or trained professional. Aditya, where are you? I have done some marketing for you now. Many people will contact you. So, mera bhi commission hoga. 30% commission with 28% GST. Highest lab, yaar. नहीं पेमेंट INR में ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं. INR. Okay, so we'll do a raffle. Prathmesh and Aditi, with their parents, can you please report backstage? You there, guys? Prathmesh and Aditi, can somebody find them out? Oh, they are coming. Okay, very good. किसी को अगर डाउट हो यहाँ पर गलत हो रहा है तो आगे निकाल भी सकता है. सवन सर, आपको डाउट होते रहते ना, कहाँ रख लिया? ओके, सो नंबर विल बी अनाउंस बाय 83. मैं कोई तो उछल जाओ. Has won the prize of okay, so a 10 euro voucher for Illustree groceries. So congratulations, women. Enjoy. Have a picture. Thank you, ma'am. Okay, so कुछ लोगों ने हमारा, काफी लोगों ने हमारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी देखा था. तो उसमें एक परफॉर्मेंस था पूजा डे का, और वो परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था, कई लोगों ने जब देखना शुरू किया तो उनको लगा कि पता नहीं ये परफॉर्मेंस कैसे जाएगा. पर जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस आगे बढ़ने लगी, उन्होंने अपने कैमरे वैमरे निकालना शुरू किया, रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी. जिनके पास अच्छा फ़ोन नहीं भी था तो उन्होंने तुरंत के तुरंत वहीं से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया कि नेक्स्ट ईयर आए तो पूजा के परफॉर्मेंस में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. आई वुड लाइक टू इन्वाइट पूजा डे ऑन स्टेज. शी इज़ लाइक रॉक स्टार. यू विल डेफिनेटली इन्जॉय हर परफॉर्मेंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, पूजा डे. सुगल्पा जी, बहुत लकी हैं आप, इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको. आपको तो नारियल और लड्डू लेकर कम्युनिटी सेंटर में आप मिली है, ठीक है. तो अपने अगले परफॉर्मर्स को बुलाने से पहले, एक दिवाली में एक सबसे खास चीज होती है क्लीनिंग. साल का ये ऐसा दिन होता है कि वो आलसी लोग जो पूरे साल अपना गद्दा भी नहीं झाड़ते, दिवाली के दिन वो घर के कोने कोने में ढूंढते रहते हैं कि धूल कहाँ पर है. और उस दिन अगर उन्होंने कोई सा भी कपड़ा पहना हुआ है या कोई सा भी मेकअप किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दिन उनके मेकअप में बस एक ही चीज़ नज़र आती है, वो होती है धूल. और उस टाइम अगर घर के अंदर कोई आ भी जाए तो वो सामने वाला जो गेस्ट होता है वो चाय पीने से भी डरता है कि पता नहीं चाय में चीनी मिलेगी कि धूल और मकड़ी मिलेगी. तो दिवाली के दिन कोई चाय भी नहीं पीता आकर. एक मेरा फ्रेंड है, उसकी मम्मी क्लीनिंग को लेकर काफ़ी पजेसिव है. दिवाली की क्लीनिंग तो होनी होनी है, और फिर उसके बाद घर में सबकी हालत ख़राब कर देती है वो. उन्होंने दिवाली क्लीनिंग करी
दिवाली लेने के बाद मेरा फ्रेंड गया वो थाली में खाना लेने लगा। जैसे उसने चम्मच से थोड़ा सा खाना निकाला, आंटी बोली रुको 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 उसको, वो शाम को गेस्ट के लिए दिवाली की प्लेट्स हैं, उसमें खाना नहीं खाना। उसने बेचारे ने खाना वापस करके बर्तन में डाल दिया। दिमाग खराब हुआ, गया जाके बेड पे लेट गया। जैसे बेड पे लेटा फिर मम्मी आई। उस हम बंदे का कुछ नाम भी रख देते हैं, जैसे स्वपन लेट्स से, ठीक है। तो मम्मी आई बोली स्वपन ये क्या कर रहे हो, ये दिवाली की चद्दर है, सफाई के बाद मैंने लगाई है, ऐसे तुम इसको खराब करोगे। स्वपन उठा, दिमाग खराब हुआ, जाके सोफे बैठ गया। मम्मी फिर आई, स्वपन तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती, ये सोफा तुम खराब कर रहे हो, शाम को मेहमान आएंगे उनको कहाँ बैठाऊंगी मैं। स्वपन बोला यार क्या घर है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, गद्दे पे नहीं बैठ पा रहे हैं, सोफे पे नहीं बैठ पा रहे हैं। गया जाके बेचारा जमीन में बैठ गया कि चलो यार ठीक है, आज मम्मी के दिमाग में कुछ अलग सवार है, आज छोड़ दो फिर देखेंगे बाद में। जमीन पे बैठा तो फिर आ गई मम्मी, स्वपन ये मैंने सुबह से लेके दोपहर तक जमीन पे पोछा लगवाया है, तुम यहां बैठ रहे हो पोछा खराब कर रहे हो। स्वपन बोला यार मम्मी क्या हो गया, मैं मर जाऊं क्या, गद्दे भी नहीं बैठ सकते, सोफे पे नहीं बैठ सकते, जमीन पे नहीं बैठ सकते, मर जाऊं जाके मैं। मम्मी बोली सुनो ऐसा है, मरना है तो घर के बाहर मरो जाके, यहां मैंने बहुत मेहनत करवाई है, पोछा लगवाया है, सब करवाया, झाड़ू लगवाया है, यहां मत मरना। तो दिवाली को लेकर क्लीनिंग का जो माहौल है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट हमारे जो आने वाले परफॉर्मर्स हैं उनको इस पोछे लगे हुए फ्लोर पे कोई भी डांस करने से नहीं रोकेगा, वो आराम से इसमें नाच सकते हैं, आराम से कूद सकते हैं, टूट जाए तो भी देखा जाएगा, आग लग जाए तो भी देखा जाएगा, सारे अरेंजमेंट्स हैं। आई वॉन्ट टू इन्वाइट द रिदमिक रिदमिक स्क्वाड ग्रुप, कोनिका, नेहा, स्मिता, मोनिका, सिंधुजा एंड एम्बर टू बर्न द फायर। वंडरफुल परफॉर्मेंस। मैं इन लेडीज के जो हस्बैंड्स आगे बैठे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा था, और मैं ध्यान से जब देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि वो भी बहुत ध्यान से अपनी बीवी को देख रहे हैं, कई हस्बैंड तो पहचान भी नहीं पा रहे थे। अभी नितिन भी कहीं बैठा होगा, नितिन, नितिन वालेचा, हाँ राइट, नितिन वालेचा भी बहुत खुश था अभी डांस के टाइम पर। नितिन वालेचा कह रहा है मैंने बदला ले लिया, आज बदला पूरा हुआ। नितिन आज बदला पूरा हो गया, पूरे साल नेहा ने तुमको नचाया, आज तुमने नेहा को नचा के अपना बदला पूरा कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट परफॉर्मेंस, इट वॉज ग्रेट टू हियर द बॉयज, द बॉय एंड द गर्ल। सो बिफोर वी मूव ऑन, सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन अ डॉक्टर फील्ड, देर आर फ्यू फनी नोट्स ऑन द क्रिकेट फील्ड ऑल्सो। एक बार एक आदमी को बच्चा होने वाला था, अगेन आई एम टू बच्चा हो गया, तो एक आदमी को बच्चा होने वाला था, तो ही वॉन्ट हिज वाइफ वॉज इन हॉस्पिटल, शी इज अ गुड पॉइंट, शी इज सेइंग आदमी को बच्चा कैसे होने वाला था, सो इट्स इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेंबर। तो उसने हॉस्पिटल में अपनी बीवी का हालचाल लेना था उसको, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू हॉस्पिटल उसने क्रिकेट ग्राउंड में फोन लगा दिया गलती से, वहां पर एक मैच चल रहा था। सो ही सेड कि हाउ आर थिंग्स, सो समवन सेड दैट वी हैव गॉट 3 आउट बाय नाउ, 2 मोर विल बी आउट बिफोर लंच एंड द लास्ट वन वॉज अ डक। So these things happen when you get disconnected call somewhere else. एक और बंदा जो क्रिकेट का बहुत शौकीन था, वो बॉलर था, तो बॉलिंग कर रहा था ग्राउंड में, तो बॉलिंग करते समय सडनली कोई फ्यूनरल जा रहा था बगल से, सो वेन द फ्यूनरल वॉज गोइंग वो अपनी बॉलिंग ऐसे बॉल छोड़ के उसने
ऐसे खड़ा हो गया, अपनी कैप वैप भी उतार ली और ऐसे करके उसने बो किया। तो अंपायर बड़ा इंप्रेस हुआ, अंपायर बोला कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि तुमने एक फ्यूनरल को इतनी रेस्पेक्ट दी, तो बॉलिंग करने जा रहे थे अपनी बॉलिंग छोड़ के तुमने रेस्पेक्ट दी। तो वह बंदा बोला कि दैट वॉज द लीस्ट आई कुड डू फॉर दैट, बिकॉज वो 30 साल की शादी के बाद इतना भी नहीं करूँ तो बेकार है, वो मेरी वाइफ थी। तो क्रिकेट खेलने वाले बंदे इतना ज़्यादा क्रिकेट में खो जाते हैं कि वो कभी कभी रात तक घर भी नहीं लौटते, क्रिकेट और फिर पार्टी और फिर अगले दिन क्रिकेट। सो क्रिकेट अगले परफॉर्मेंस का क्रिकेट से काफ़ी गहरा संबंध है, बिकॉज जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो हमारे एक लेटरकेनी के महान क्रिकेटर राम मोहन की बेटी का परफॉर्मेंस है, एंड शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द मूवी MS धोनी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज रश्मिका टू सिंग द सॉन्ग ऑन द मूवी MS धोनी। हेलो, देट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच रश्मिका।